बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सब लोगों की परेशानियां दूर करे, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं नान खटाई। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आधा कप मैंने पीसी हुई चीनी ली है, एक कप मैदा लिया है और कुछ क्रश किए हुए बादाम लिए हैं और 2 टीस्पून बेसन लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/2 कप जो है देसी घी लिया है। इसको मैंने पहले नरम करके उसके बाद इसको फ्रीज़र में ठंडा करके रख लिया। बाउल में मैंने घी डाली है और इसको अब मैं बीट करूँगी। बीट हो गया, अब इसके अंदर ये हम अपना 1/2 कप कुछ चीनी का डाल देंगे। पहले इसको जरा मिक्स कर लेंगे ताकि इसका पाउडर उड़े ना। ये बीट हो गया है चीनी और घी, अब इसमें ये इलायची पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा डालना है और ये बेकिंग पाउडर डाल के इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। बादाम डाल देने, ये मैदा डाल के छान के डालना है इसको मैदे को, ताकि इसकी जो गुठलियाँ सी है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसको अब हाथ से गूंदना है। इसको मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था कि ये नरम था, अब मैं इसके जो है ना गोल सी वो बना के खटाई की शेप में और ये प्लेट में रखती जाऊँगी। ये मैंने सारी प्लेट के अंदर लगा के इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाई है और साथ एक एक बादाम से इसकी डेकोरेशन कर दी है। अब इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पतीले में रखेंगे। ये मैंने पतीले में रख दिया, पहले से इसको गर्म किया हुआ है, अब ये 20-25 मिनट में पक जाए। ये देखें नान टाइम हमारी तैयार हो गई है, कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये देखिए इसका नीचे से भी कितना खूबसूरत कलर आया है। अभी ये बहुत गर्म है, पकड़ी नहीं जा रही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।